हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल मेडिको अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईएएस कोर्सेज जैसे कि बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस के जो सेकंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, एंड क्या फर्स्ट राउंड में जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया क्या वो डायरेक्ट सेकेंड राउंड में यानी कि एलिजिबल है या फिर नहीं। जिसको फर्स्ट राउंड में यदि कॉलेज अलॉट होगी लेकिन वो कॉलेज छोड़ना चाहता है और वो सेकंड राउंड में यानी कि पार्टिसिपेट करना चाहता है तो क्या वो सेकंड राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर नहीं, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ओके गाइस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आईएएस कोर्सेज बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस एंड बीएसएमएस के सेकंड राउंड के एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड क्या जो फर्स्ट राउंड में जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया क्या वो सेकंड राउंड में डायरेक्ट एलिजिबल है। हाँ, तो वो डायरेक्ट एलिजिबल है, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिसने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया क्या वो डायरेक्ट सेकेंड राउंड में एलिजिबल है, तो वो डायरेक्ट सेकेंड राउंड में एलिजिबल है। ओके गाइस, वो डायरेक्ट सेकंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकता है और जिसने फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गई और वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो कर सकता है, वो भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। ओके गाइस, एंड जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गई उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, एंड जिसको नहीं हुई वो सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई करे। तो गाइस ये थी, और इससे रिकॉर्डिंग यदि आपके पास कोई और भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइस, जो सेकंड राउंड है वो स्टार्ट होने वाला है, उसके शेड्यूल की बात करते हैं कि वो कब से स्टार्ट होगा। तो गाइस ये है आपके सामने शेड्यूल आईएएस कोर्सेज का, तो इसमें आप देख सकते हो जो सेकेंड राउंड है वो 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो होगा। तो जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया फर्स्ट राउंड में वो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाए, एंड जिसने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा लिया उसको सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जो फर्स्ट राउंड का जो फर्स्ट राउंड कम्प्लीट हो चुका है और सेकेंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है वो होगी, मतलब 27 दिसंबर को जो चॉइस फिलिंग की है वो लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिक। ओके गाइस, एंड इसका रिजल्ट जो पब्लिश होगा वो 30 दिसंबर 2020 को इसका रिजल्ट पब्लिश होगा, एंड इसकी रिपोर्टिंग जो आपको करवानी है वो 31 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी 2021 तक आपको इसकी रिपोर्टिंग कॉलेज में जाके करवानी है। तो ओके गाइस, तो ये था सेकेंड राउंड का जो शेड्यूल है, ये आप इसको देख सकते हैं। ओके गाइस, जो सेकेंड राउंड की कट ऑफ क्या रहने वाली है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे सेकंड राउंड के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, एंड जो मॉप अप राउंड है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि उसकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है और उसके क्या क्या रूल है। तो गाइस, अगर आपको बीएमएस आईएएस काउंसलिंग से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ओके गाइस, थैंक यू एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।